बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और ये वीडियो जो है ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स आ चुकी है। इंस्पेक्टर की जॉब्स है और कस्टम में है। और इसमें जो रिक्वायर्ड है और अप्लाई करने का तरीक़े है और क्वालिफिकेशन है और सीट है, तो इसके बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की नई जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल होते रहे और बर वक्त अप्लाई करते रहें। यह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का सोशल वेबसाइट और पोर्ट उसका सोशल पेज है। और ये आप किस तरह इस एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। इसका जो अप्लाई है वो ऑनलाइन है, तो इसके आप इधर गूगल पे आएंगे, गूगल पे लिखेंगे FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। आप सिंपली एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद आपके सामने ये सबसे पहले जो नज़र आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सोशल पेज है वो ओपन होगा। इस तरह सोशल पेज आपके सामने ओपन होगा। फिर आप इसमें देखेंगे इसका जो जॉब जो आ चुके हैं नई जॉब्स वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 है। ये देख रहे कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2020, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने उसकी तीन ऑप्शन ओपन होंगे। नेट का थोड़ा मसला है, नेट स्लो है तो इसलिए आपसे माजर चाहते हैं इस वक्त। हाँ, आपके सामने फिर इस तरह आपके सामने सोशल पेज जो एडवर्टाइजमेंट का 7/2020 का पेज है वो ओपन होगा। फिर पहले नंबर पर है एडवर्टाइजमेंट, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा। ये नीचे आप चालान उसका चालान है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इस अप्लाई ऑनलाइन, जो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर इस तरह के डैशबोर्ड ओपन होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर पर है जो आप आएंगे नीचे 131 नंबर पर, आप इंस्पेक्टर कस्टमर इंटेलिजेंस ऑफिसर BBS 16 है, परमानेंट है, रेवेन्यू और डिविजन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी है सेकेंडरी क्लास या ग्रेजुएट सी बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्टेटिस्टिक्स अकाउंटिंग कंप्यूटर साइंस लॉ फार्मेसी केमिस्ट्री या फिजिक्स या एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ BS इंजीनियरिंग एंड एनी स्पेशलिटी कंप्यूटर लिटरेसी अप टू द लेवल ऑफ MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, कंप्यूटर को जानता हो। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड जो उसके लिए है फॉर मेल कैंडिडेट्स, हाइट उसकी कद जो है 5'6" होनी चाहिए और चेस्ट जो है वो 32-33.5, और फॉर फीमेल जो कैंडिडेट है स्पेशली उनके लिए जो है 5'2" उसकी कद है, छाती उसकी कोई नहीं है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फ्रॉम ऑथराइज मेडिकल ऑथराइज, रिक्वायर्ड एज लिमिट 28 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन 28, तो ऐसे 32 साल इसके लिए दरकार है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 62 वैकेंसी है, और डोमिसाइल ओपन जो है मेरिट पे, ओपन जो ओपन मेरिट पे है फॉर पंजाब 31, ओपन मेरिट 27 और वमेन कोटा 2 एंड माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम्स कोटा 2 और सिंध रूलर 7, ओपन मेरिट 6 एंड माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम कोटा 1, सिंध अर्बन्स 5, ओपन मेरिट 4 एंड वमेन कोटा 1, हैबर पख्तूनख्वा के लिए 7 है, ओपन मेरिट 6 है एंड माइनॉरिटीज नॉन मुस्लिम्स कोटा 1, बलूचिस्तान 4, ओपन मेरिट 3 एंड वोमन कोटा 1, एक्स फाटा, फाटा के लिए जो है 2 सीट है, ओपन मेरिट 1। तो जाहिर सी बात है उसके लिए सीट्स कम है फाटा के लिए। तो यही जॉब्स थे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब आप इसके अप्लाई पे आएंगे तो ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके जो ऑफिशियल पेज उसने अपना पेज बनाया है उसमें अपना नाम डालेंगे, पिक्चर अपलोड करेंगे, एक्सपीरियंस डालेंगे। नो उसका आपका जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
ये देख रहे हैं, आप अप्लाई पे आएंगे तो आप सबसे पहले आप F131 पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अभी आपको इसकी जो रिक्वायर्ड है वो ओपन हो जाएगी। ये देख, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। अप्लाई फॉर दिस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ आप अपना बैंक, नेशनल बैंक व सिटी जिसमें आपने बैंक का चालान जमा किया होगा, तो वो बैंक कोड या प्लीज सेलेक्ट डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, आज़ाद कश्मीर वगैरह आप ना हैबर पतन हुआ होंगे तो वो डालेंगे डोमिसाइल। इस तरह आप नीचे आएंगे तो फिर आपने आगे कैप्चर कोड जो है ये देंगे, तो फिर अप्लाई सबमिट पे और प्रोसेस नंबर टू पे आप चले जाएंगे तो इसका इस तरह आपका अप्लाई हो जाएगी। तो इंशाल्लाह दोबारा इस तरह की नई जॉब की वजह से दोबारा मिलेंगे। तो इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।